Thank you. Thank you. Looking glorious, our queen, as always. Thank you so much. Hello, everyone. I really have nothing to say to this. And I want to today say that these are my heroes. Everyone says, oh, you have no hero in the film. I say that's not true. We have a lot of heroes in this film. And to begin with, Prasoon sir, Shankar sir, Hassan sir, Loya sir, these are the heroes of my film. And Chris, this song has actually a lot of contribution from him. So he's also one of the heroes. And Vijayendra sir, Kamal ji, today he's not here. So to all the heroes, all the kings of the queen, cheers to them tonight. How wonderful, how wonderful. Kangana, I'd like you to actually stay back on the stage with us for a few minutes. I'd like to now invite the grandest cast of them all my friends sitting there in the front row. Could you please join us on the stage? Because the queen, well, she could do with her kingdom by her side, right? So Shahrukh, of course, I'd like to invite you on the stage. Shankar sir, Ehsan sir, Loy sir, Prasoon ji, would you please join us back on the stage? Once again, I'd like to request the cast and the crew to kindly come up on the stage as we take questions from our dear friends of the media who've been waiting to see the Queen. Thank you so much, ladies and gentlemen. We have a couple of mics. We'll pass them around. Of course, this is my cue to our wonderful friends of the media for our Q&A, ladies and gentlemen, which we'd like to start immediately. If you have a question, kindly raise your hand and a mic will magically appear next to you. Prasoon ji, aapka gana ek bahut sundar bana hai. Aapne bahut मोतियों से अपने शब्दों के मोतियों से बहुत बेहद ही अच्छा पिरोया है और एक बार फिर आप आ रहे हैं इसके साथ क्या उम्मीदें हैं आपको इट्स लाइक एन एंथम जी मुझे इससे पहले इस देश से जुड़े हुए गीत आपने सुने रंग दे बसंती में काम किया था लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ है ये बिल्कुल अलग अनुभव है क्योंकि देखिए एक होता है कि आप कॉन्टेक्चुअल फिल्म की बात करते हैं तो इस फिल्म के डायलॉग भी मैंने लिखे हैं तो उस वक्त एक दूसरी अप्रोच होती है और दूसरी एक चीज़ होती है जैसे ट्रिब्यूट आप कहते हैं ये एक ट्रिब्यूट है हम सब का मेरे लिए मूलतः ये फिल्म करने का मूल कारण उस वक्त मैं बहुत व्यस्त था लेकिन मूल कारण दो थे एक तो ये फिल्म मुझे लगता था पता नहीं क्यों हम रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान चरित्र पर एक फिल्म हमारे पता नहीं कब एक फिल्म बनी थी क्यों नहीं बनती है और ये खबर आई कि एक फिल्म ऐसी बन रही है और ऊपर से सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं वो कंगना रनावत उसे प्ले करने की का इरादा पक्का कर चुकी है तो आई थिंक आई कुंड हैव आस्क्ड फॉर बेटर बिकॉज हमेशा जो आप अनुभव करते थे महसूस करते थे वो हो रहा था और दिस वॉज अ टाइम फॉर मी टू बी एबल टू राइट एंड थिंक अबाउट क्योंकि क्या हो गया है कि ये किसने पता नहीं किया है कि देश से जो प्यार है उसको अनुकूल बना दिया किसी ने कह दिया कि भाई देशभक्ति और ये क्या है ये तो खास बड़ी बात नहीं है भाई किसी से भी प्यार हो वो कूल रहना चाहिए और जब देश से बात आ जाए तो ये सब उठ कर के सोचने की जो एक जज्बा है वो कभी नहीं मरना चाहिए क्योंकि मैं बहुत हर्ट होता हूँ ये बात सोच के कि हमारे यंगस्टर्स एंड ऑल कहते हैं कि मतलब क्या ज़रूरत है प्यार है तो उसको जताने की भी ज़रूरत है और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत दिन से एक हैशटैग शुरू करना चाहता था देश प्रेम जताओ और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे कोई इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता मैं चाहता हूँ कि वो शुरू करूँ मैं कि देश प्रेम जताओ आपका कोई भी तरीका हो देश प्रेम जताने का कविता लिखकर गीत लिखकर पेंटिंग बनाकर लेकिन बॉस जताना तो पड़ेगा
प्यार है तो दिखाओ यार, तो पहनो, वेयर इट ऑन योर स्लीव्स, यू नो, इश्क और मुश्क छुपे नहीं छुप दे कहते वो, छुपाने की क्या जरूरत है, प्यार किया भाई, तो देश प्रेम जताओ का मैं हैशटैग करता हूँ। और मुझे लगता है इस फिल्म के गीत, और मुझे खुशकिस्मती है कि शंकर महादेवन जिनको महादेवन मैं समझता हूँ, क्योंकि सचमुच इनसे अच्छा वॉइस इन गीतों को शायद ही मिलती, और एहसान लॉय जो कि जो साथ में जब भी हम लोग जुड़ते हैं और बात ऐसे निकल जाती है कि पता नहीं लगता कब काम हो गया। सो आई थिंक कमल जी थे इसमें, और बाकी लोगों से मेरा इतना परिचय नहीं हुआ, बात कम आप लोगों के साथ, बट आपने मेरे शब्द बोले हैं, डायलॉग्स बोले हैं, सो आप लोगों ने सबने बहुत अच्छा काम किया है, एंड आई एम श्योर दैट पीपल विल रेजोनेट व्हाट हैज़ बीन डन बाय ऑल ऑफ यू हियर, एंड स्पेशली व्हाट कंगना हैज़ डन रिमार्केबली इन दिस फिल्म। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और कंगना हमारी बॉलीवुड की रानी है। थैंक यू। देशभक्ति कितनी जागी, और दंडपट्टा और हॉर्स राइडिंग करते वक्त क्या भावना थी आपकी? देखिए, आई थिंक मैं तो जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा जाने माने हैं, और उनके जो जितने भी थॉट्स हैं, जैसे परसून सर के जो शब्द हैं उनसे मुझे तो सीखने को ही बहुत ज़्यादा मिला, और जो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग से नाम दिए गए हैं, चेस्ट थम्पिंग, जिंगोइज़म, ये नेशनलिज्म, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से शेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब हम इस तरह के शब्द हमारे सेट पे यूज़ करते थे तो खड़े होके कहते थे, परसून सर हो या चाहे विजेंद्र सर हो, हाँ तो है, चेस्ट थम्पिंग जिंगोइज़म है, सो व्हाई नॉट, सो हाउ पैशनेट यू आर, दैट्स हाउ योर पैशन इज़ गोइंग टू बी, इट्स जस्ट लाइक परसून सर ने आज इतनी खूबसूरत बात कही कि प्यार कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, उसके लिए कभी भी किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, और जब ये एक्सेप्टेंस पूरे दुनिया में हो रही है और हर तरह का झंडा लहराया जा रहा है, सतरंगी, पांच रंगी, तीन रंगी, दो रंगी, तो हमारे तिरंगे में क्या बुराई है? सो आई थिंक हम में कहीं भी शर्मिंदा जो भी लोग करना चाहते हैं इसके लिए, वी शुड नॉट फील अशेम्ड, एंड बाकी लाइक आई सेड, यू नो, आई एम अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस वेरी बिग फिल्म, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा, मैंने हमेशा आज तक छोटी छोटी फिल्मों में काम किया है, दिस इज़ एक्चुअली अ बिग फिल्म, नॉट बिकॉज ऑफ द बजट, नॉट बिकॉज ऑफ द स्टोरी, इट इज़ अ बिग फिल्म बिकॉज द काइंड ऑफ आर्टिस्ट आई एम गेटिंग टू वर्क विथ, एंड शंकर सर, एहसान सर एंड लोय सर के साथ भी मेरी पहली फिल्म है, एंड ये हमारे जो त्रिदेव हैं इनके साथ भी मुझे जो काम करने का मौका मिला, दे हैव व्हाट दे हैव डन इन दिस फिल्म एंड व्हाट दे हैव डन फॉर द फिल्म, आई डोंट थिंक वर्ड्स कैन एक्सप्लेन, देर आर 7 to 8 सॉन्ग्स इन द फिल्म एंड ईच वन ऑफ देम इज वन बेटर देन द अदर, हमें समझ ही नहीं आया कि किसको लॉन्च किसे करें पहले, बट यू गाइज आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम व्हेन यू गाइज हियर द एल्बम। Hi Kangana, this is Sohail. Congratulations, the song is very soulful, touching. जाना चाहेंगे दिग्गज है प्रशून जी और शंकर एहसान लॉय, बट आपका भी as being a director, आपका भी कितना contribution था like music में? Well, this song has been done by Chris when he was directing the film. There are other songs where I have worked on, जहाँ पे I will be able to tell you more how I contributed as a director, चाहे वो भारत गाना हो या टकटकी हो या राज, you know, या राजा जी, so there were songs where I have contributed, but this song Chris has worked with them, so obviously he'll be able to tell more about it. Shankar Eshan Loy, definitely congratulations to you, Prashun ji, आपको भी a grand film, बहुत बड़ी फिल्म है और पेट्रियोटिक हिस्टोरिक फिल्म है, ऐसे में म्यूजिक देना कितना चैलेंजिंग होता है? Well, actually, one has to hit upon the right emotional thread for the film, and that we grabbed it the moment we composed Vijay Bhava, and we knew that kabhi iski music is going to go in a particular direction. And then after that, when Kangana came in, it was a complete change again. It was very beautiful because the kind of things that she brought into the film, a lot of emotional songs and that kind of thing, which really worked beautifully. And we've had a really, I think this is one of, I'd proudly say this is one of our best albums that we've done. You know, and I'm really, really proud to say that. And thanks to all these new singers and all who sung on the album, Siddharth, you know, Shivam, Prajakta and all, they've really done such a good job. You'll see the passion in the music and, you know, we're very proud of it. Hi, Prasoon and Kangana at the back. This is Priyanka from Indian Express.
I wanted to ask you guys that, you know, how you said that the words jingoism or chest thumping are nowadays used to shame people, and people should wear their patriotism or their love for their country on their sleeves. But on the other side, people who do that also shame those who don't believe in expressing their love for their country and, you know, openly, or they have their own ways. We see how people have been beaten up in cinema halls when they don't stand up for national anthem. I mean, you can love your country and also express in your own ways, and that does not mean to thump your chest or go out and say things. So what do you say about that, about the other side of the debate? Well, to this, honestly, like Prasoon sir said, love is love. You can, if you love your partner and you never want that partner's company, it's up to you. You can really internalize it, but it will never manifest into anything concrete. It will never really manifest into a beautiful relationship, and nothing will come of it, no partnership. It will only be inside of you. The Constitution is a promise that all of us have made with each other, with the motherland. You understand what Constitution is, right? It's not a God-gifted gift. It's not a gift that has fallen from the heaven. If we add another piece of land into this land, we make a promise with even those set of people that this is what we oath to protect. So that promise needs to be owned. It needs to be shown that we own this promise. You cannot internalize it. It is not something to be internalized. You understand? I do understand, but to force people to express something is also not correct. I'm sorry. I don't want to interrupt, but I don't want to debate here. Yeah, I'll just answer that a little bit. Yes. Don't take it in another direction. See, kya hai ki aapne kaha na ki my own way, but kuch chahiye to sahi saab. Aap ye kahein ki main ek kamre mein band hoon kahin aur bilkul मैं सोचता हूँ मैं जब कोई मिलेगा आकर के मैं बता दूंगा. नहीं, देखिए, अगर किसी से प्यार है तो थोड़ा कहना, थोड़ा जताना इन योर ओन वे, ऑफ कोर्स इन योर ओन वे, बट जताना तो चाहिए. वो ज़रूरी है. वो आँखों से छलकता है, वो आपके जेस्चर्स में दिखता है, वो आपके हग्स में पता लगता है, वो आपके टच में पता लगता है. आपके पता भी नहीं लगेगा, और जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बहुत कन्वीनियंटली, देखिए, सुविधा मत बनाइए इसको, देश प्रेम को सुविधा मत बनाइए. एज फार एज यू आर कॉग्निसेंट ऑफ इट, एज फार यू आर ऑनेस्ट अबाउट इट, डोंट मेक इट कन्वीनियंट. इफ यू आर हाइडिंग बिहाइंड कन्वीनियंस, देन आई हैव अ प्रॉब्लम विद इट. ओके, सो हेलो, या आई थिंक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो कंगना. यस, हाय, वी आर टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन. सो कंगना, यस, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर के लिए, म्यूजिक के लिए बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, बहुत ही अच्छी ट्रेलर है. आपके साथ पहले चीट इंडिया आ रही थी, उसके करीब ठाकरे भी आ रही थी. तो चीट इंडिया अब ठाकरे से बातचीत के बाद 18 जैन को आ रही है, तो आपको क्या कितना प्रेशर है ठाकरे के साथ आप मूवी आ रही है, और किसी तरह का आपको कोई प्रपोजल आया था फिल्म के लिए, मतलब डेट डिले की जाए या कुछ ऐसी बातचीत की जाए? नहीं, ऐसा कुछ हमें किसी ने नहीं कहा, ना ही किसी ने हमें कहा कि आप डेट डिले कीजिए, और ना ही किसी तरह का प्रेशर पड़ा है हम पे. इनफैक्ट हमें किसी ने अप्रोच भी नहीं किया. सो वी आर वेरी हैप्पी दैट यू नो वी हैव अ सॉर्ट ऑफ अ बिग विंडो फॉर देयर आर वेकेशंस एंड इट्स अ बिग यू नो सॉर्ट ऑफ अ काइंड ऑफ अ फेस्टिव रिलीज. सो आई थिंक टू फिल्म्स कैन ईजिली कम. सो फार नोबडी हैज प्रेशराइज्ड. इट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग टू say that, you know, we've been approached or pressurized into doing something we don't want to do. Okay, thank you everyone. Shari ji, release ki baat karte hain to kitne languages mein hai aur kitni big release hogi ye film? Grand film hai. Ji ha, to hum log hai na in excess of 3000 screens hongi ye, aur Hindi, Tamil, Telugu mein to aahi rahi hai. So it's going to be the largest release of that weekend and largest release, one of the largest release of female led film to definitely hai. So we are all very, you know, excited, and please enjoy the movie, and thank you for braving the cold. It doesn't feel like we are in Bombay. Wish you all the best. Thank you. Yes, please. Yes, please, go ahead, carry on. I mean, how lenient were you in giving cuts? Since the film, you are a part the of film, it. The film, there is a huge, there is an absolute, you know, a department, an office there which works on this.
and I think they will be taking care of what the regular procedure is, the guidelines is, and it will follow the usual certification process as any film follows. I don't think I normally don't get in everyday work involved because it only comes to us as the board when there is something to be consulted. So it will follow its own procedure as any other film follows. Thank you. Well, I'm going to request you guys kindly stay on the stage because there's something special coming up. I'd like to, at this point, kindly call upon this beautiful girl. Kindly go all the way up to the queen. And this is a very special moment. We'd like to unveil the music, ladies and gentlemen, of Manikarnika. Aap sabke samne. Aap sabki shubhkamnaye hamare saath rahe. Yehi umeed rahegi. Aur is glorious si Vijay Bhava team ko ढेर सारी शुभकामनाएं Ladies and gentlemen, friends of the media, once again, please do stay back for the refreshment. I'd like to thank the cast and crew for being